जयपुर से बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी प्रदेश कांग्रेस। एआईसीसी के निर्देश पर 7 से 17 जुलाई तक महाअभियान चलाया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 7 जुलाई को महिला कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेगी। जिला व ब्लॉक स्तर पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 8 से 15 जुलाई तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी लोगों से मांग पत्र भरवाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की दरें कम करने के लिए ये मांग पत्र भरवाए जाएंगे। 16 जुलाई को सभी जिलों में 5 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और साइकिल यात्रा में संबंधित जिले के मंत्री, विधायक व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश स्तरीय मार्च निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, ताकि वो कई मुद्दों पर सरकार को, केंद्र सरकार को घेर पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष अपनी पुरजोर तरीके से भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार से जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, देर आए दुरुस्त आए, आखिर विपक्ष जागा तो सही। अब बिल्कुल, देखिए समय समय पर कांग्रेस हालांकि विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन अब खुलकर पूरी तरह से सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई और एआईसीसी के निर्देश पर यह तय किया है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की महंगाई लगातार बढ़ रही है, कोरोना जैसी महामारी के समय पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में शतक पार पेट्रोल कर चुका है, डीजल भी लगभग शतक के करीब पहुंच गया है, तो ऐसे में आमजन को राहत देने की मांग केंद्र सरकार से की जाए। इसी के लिए पूरी तरह से 10 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसमें विरोध दर्ज किया जाएगा और मांग की जाएगी केंद्र सरकार से कि पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं बढ़ रही हैं लगातार, उनको कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ती हैं तो सीधा ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ता है और उससे हर वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो ऐसे में आम जनता पर इसका सीधा भार पड़ता है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तय किया गया है कि 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश भर में अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे। पहले महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से 7 जुलाई को धरने प्रदर्शन किए जाएंगे सभी जिलों में। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 7 दिन का, ये एक वीक का पूरा हस्ताक्षर अभियान होगा, जिसमें मांग पत्र भरवाए जाएंगे सभी पेट्रोल पंपों पर। जो पेट्रोल भरवाने वाले उपभोक्ता हैं उनसे केंद्र सरकार से एक मांग की जाएगी मांग पत्र के जरिए कि पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उनको कम किया जाए, ताकि आम जन को राहत मिल सके। और इसके बाद 5 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी जो सभी जिलों में होगी। सभी विधायक, सांसद प्रत्याशी और तमाम जो नेता हैं, मंत्री, विधायक, वो इस साइकिल रैली में शामिल होंगे जिलों में। और उसके बाद एक प्रदेश स्तरीय मार्च होगा 17 जुलाई को। इसमें ये पूरे राजस्थान के जो नेता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो जयपुर में एक पैदल मार्च का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रखा जाएगा। तो इस तरह से पूरा खाका तैयार किया गया है। अब ये पूरी तैयारी कर ली है कि कांग्रेस अब बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पूरी तरह से सड़कों पर रहेगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।